स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य एकेडमी शाजापुर में, SCA शाजापुर। कैसे हैं आप सभी? पिछली क्लास में हम सब ने पढ़ा था UPSC नॉमेनक्लेचर, है ना, लेक्चर 2 में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 3। ठीक है, आज हम एल्केन में जो नॉमेनक्लेचर देखेंगे वो देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। ठीक है, तो कॉपी और पेन लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, जल्दी से करते हैं स्टार्ट। आज हम नॉमेनक्लेचर सीखेंगे स्पेशल केस एल्केन का। एल्केन किसको कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड दिख ही रहा है। तो स्पेशल केस कैसा, ब्रांचिंग इन ब्रांच, ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए, इस चेन के लिए ब्रांच और ब्रांच के अंदर क्या है, ब्रांच। ऐसे स्पेशल केस में हम देखेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या देखने जा रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जटिल प्रतिस्थापी, है ना। रूल्स वही है, सिलेक्ट और लॉन्गेस्ट चेन, और नंबरिंग कहां से करना है, एंडिंग से, यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो, यहां से, वहां से, सब दूर से कीजिए, जहां लॉन्गेस्ट चेन मिले उसे सिलेक्ट कीजिए। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की है, यहां से गिनते हैं। अच्छा, यहीं से 1 2 3 4 5 6 5 6, यहां से करें 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिल रही है, 7 कार्बन की। तो हम यही स्ट्रेट लाइन जो तुम्हें दिख रही है इसी को हम क्या मान लें, हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है भैया, लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4, 4 पे क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करें तो 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन की चेन मिली हमें, 7। अच्छा, 7 कार्बन की चेन में फोर्थ कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन है ना, ये C3। ठीक है सर। अच्छा, इससे हाइड्रोजन कितने कनेक्ट है, एक बॉन्ड बना रहा है, कितने हाइड्रोजन और कनेक्ट होंगे, 3, CH3। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक, तो कितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, 3, CH3। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, इससे कितना हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, 1। तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 3, 3 6 और 1 7, C3H7। क्या है ये, C3H7। अच्छा, C3H8 को आप क्या कहते हो, कितने कार्बन, 3, डबल किया 6, 2 ऐड कर दीजिए, 8, जितने कार्बन उसके डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, बोलो क्या है ये, प्रोपेन है ना, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, क्या बनेगा, C3H7, बोलो क्या बन गया, प्रोपाइल। सर ये तो प्रोपाइल है, नहीं नहीं नहीं, ये प्रोपाइल नहीं है। अच्छा, ये प्रोपाइल है, तो मैं अगर आपको ये देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, इस सब्स्टिट्यूएंट में देखो कौन है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन 3 कार्बन, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, प्रोपाइल। क्या है, तो नाम क्या हो गया इसका, 4-propyl। मेन चेन में कितने कार्बन है, 7 है, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, एन, ये हो गया इसका क्या, नॉमेनक्लेचर। तो ये स्ट्रेट है तीनों, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, इसे कहा जाता है क्या, प्रोपाइल। ठीक, यहां पर केस दूसरा है,
क्या तीन कार्बन स्ट्रेट है? नहीं, एक के बाद एक है क्या? नहीं है। यहां तो ये मेन चेन, इस मेन चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट है ना। उस कंडीशन में ये बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है जरा समझिएगा आप सभी, है ना। मिटा देते हैं, नंबरिंग हो गई, हो गई सर। अच्छा, मेन चेन में कितने कार्बन है? 7। तो रूट वर्ड तो क्या हो गया इसका? हेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 डिग्री क्या हो गया? एन। इस हेप्टेन के फोर्थ कार्बन पर, कौन से कार्बन पर? फोर्थ कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट है, हम ब्रैकेट लगाएंगे और अब क्या नाम लिखेंगे जरा देखिए। मेन चेन से जुड़े पहले ही कार्बन को हम नंबरिंग देंगे, क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे। क्या नाम दिया हमने? 1-। क्या दिया? 1-। मेन चेन से जुड़े कार्बन को क्या दो? पहला नंबर 1-। और लॉन्गेस्ट चेन देखो, इधर जाओगे तो 2, यहां से इधर आओगे तो 2, तो 1-2-। कितने कार्बन की चेन मिली? 2। अब इस ब्रांच के लिए ये CH3 क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? मिथाइल। मतलब इस मेन चेन के लिए ये दो कार्बन वाला ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और इस दो कार्बन के लिए ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच इन ब्रांच, ब्रांचिंग इन ब्रांच वाला केस है, स्पेशल केस है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? मेन चेन के फोर्थ कार्बन पर, मेन चेन के फोर्थ कार्बन पर एक और मेन चेन है, उस मेन चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल। कौन से कार्बन पर है? 1-। तो हम क्या लिखेंगे? 1-। अरे इन दो कार्बन की चेन के लिए ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो पहले इसका नाम लिखूंगा, फिर इसका नाम लिखूंगा, फिर मेन चेन का नाम हेप्टेन। समझ में आ रही? तो 1-। ये मिथाइल किस कार्बन पर है? 1-। पे, तो मैंने लिख दिया 1-। और दो कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा? इथाइल। इथाइल क्यों लिखा? अरे ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट के नाम के पीछे क्या लगाते हैं? YL, कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट के। क्लियर? तो 1-, मिथाइल, इथाइल, हेप्टेन, और ये कहानी कौन से कार्बन पर है? फोर्थ कार्बन पर। समझ में आया सभी को? नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। और भी नॉमेनक्लेचर आपके सामने आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ नहीं, मेन चेन है 7 कार्बन की हेप्टेन, जिसके फोर्थ कार्बन पर 2 कार्बन की एक चेन है, जिसके फर्स्ट कार्बन पर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल। और यह पूरी कहानी किस कार्बन पर है? फोर्थ कार्बन पर। मेन चेन कितने कार्बन की? 7 कार्बन की। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक बड़े। नेक्स्ट नंबरिंग करना है भाई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन की। इधर से गिनो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन की चेन मिल रही है, यही सिलेक्ट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि इधर से भी फोर्थ कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से भी 4 कार्बन, इधर से भी नंबरिंग कर दो। अच्छा, ये तो मेन चेन हो गई, कितने कार्बन की है? 7 कार्बन की। 7 कार्बन की है तो 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया? हेप। कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखूंगा? एन। भाई इस मेन चेन के फोर्थ कार्बन पे कहानी है ना? नहीं, क्या नहीं है? है। तो फोर्थ कार्बन पर नहीं कहानी है तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? मेन चेन से जुड़े कार्बन को क्या देंगे? नंबरिंग करेंगे। ये हो गया हमारा क्या? 1-। अब यहां से लॉन्गेस्ट चेन देखो, फिर से 1-, इधर जाओगे 2-, इधर आओगे 2-, इधर आओगे 2-, तो केवल 2 कार्बन की चेन मिलती है। 1-2-, इस मेन चेन के लिए 1-2-, के लिए ये दोनों क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन है? मिथाइल। ये कौन है? मिथाइल। ये दोनों मिथाइल किस पर है? 1-, पर। कितने हैं? 2 है, तो 1-, 1-, एक जैसे दे हैं तो क्या लिखूंगा? डाई मिथाइल, और फिर क्या लिखूंगा? 2 कार्बन है तो इथाइल। 1-, ये भी 1-, पर 1-1-, डाई मिथाइल इथाइल, 7 कार्बन है हेप्टेन, और ये कहानी कहां पे चल रही है? फोर्थ नंबर कार्बन पर। क्लियर? समझ में आई बात? नोट कीजिए।
मेन चेन से जुड़े कार्बन को पहला नंबर देंगे और वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर एक लॉन्गेस्ट चेन का, वन डेज टू डेज। अब इस दो कार्बन की चेन के लिए ये दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस मेन चेन के लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, तो इनका नाम पहले लिखूंगा वन डेज डाइमिथाइल, फिर इन दो कार्बन का नाम लिखूंगा इथाइल, है तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट इसलिए मैंने इथेन नहीं लिखा है, इथाइल लिखा है, ठीक। उसके बाद मेन चेन का नाम हेप्टेन। ये सारी कहानी किस पे चल रही थी, फोर्थ कार्बन पे, नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट, और सुंदर सा एग्जांपल आपके पास में है, स्केलेटल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं जिसमें केवल कार्बन और बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे, आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेवन कार्बन की चेन है ना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 6 यहीं कहीं से भी गिनेंगे कितने कार्बन की मिलेगी, 6, पर ये चेन कितने कार्बन की मिल रही है, 7, यही हमारी क्या हो जाएगी मेन चेन। सिलेक्ट कीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी करते तो 4 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट, अच्छा ऊपर भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नीचे भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है सर लिखना तो पड़ेगा, लिखेंगे। अच्छा मेन चेन से जुड़े कार्बन को क्या देते हैं अपन, वन डेस, और फिर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, वन डेस टू डेस, इधर आते हैं टू डेस, ऊपर जाओ, मेन चेन से जुड़ा ये कार्बन क्या हो गया आपका, वन डेस और ये टू डेस, ठीक है भैया, ठीक है सर। दोनों चौथे कार्बन पर है, फोर कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 4,4 लिखूंगा, यस सर, दो सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या लिखेंगे, 4,4 दोनों एक जैसे हैं क्या, हाँ सर, इसको क्या लिखूंगा मैं, वन डेस मिथाइल इथाइल, इसे क्या लिखूंगा, वन डेस मिथाइल दो कार्बन इथाइल, वन डेस मिथाइल इथाइल, वन डेस मिथाइल इथाइल, दोनों सेम है, दोनों सेम है इसलिए हम क्या लिखेंगे, डाई, नहीं 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 नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे अगर दो हो, कितने हो, दो, एक जैसे, नोट कर लेना, एक जैसे कितने हो, सेम इट इज, कितने, टू, तो हम क्या नहीं लिखते, डाई नहीं लिखते, डाई की जगह क्या लिखते हैं, 20, क्या लिखेंगे, 20, एक जैसे अगर कितने आ जाए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 3, तो हम क्या नहीं लिखेंगे, ट्राई, ट्राई ना लिखते हो, हम क्या लिखेंगे, ट्रेस, क्या लिखेंगे, ट्रेस, ऐसे एक जैसे कितने आ जाए, 4 आ जाए, 4 के लिए हम लिखते क्या थे, टेट्रा, अब हम टेट्रा नहीं लिखेंगे, कब, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, क्या लिखेंगे, टेट्राकाइस, टेट्राकाइस या टेट्राकिस, ठीक है, नोट कर लेना, एक तरफ लिख के रखना, तो हम इसका नामेनक्लेचर करें, कर दे, चलो फोर्थ कार्बन पे कितने हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 2, तो हम क्या लिखेंगे, 4,4 एक जैसे कितने हैं, 2, तो क्या लिखेंगे, 20, क्या लिखेंगे, 20, डाई की जगह क्या लिखूंगा, 20, 4,4, 20, दोनों एक जैसे हैं, कैसे हैं एक जैसे, ये भी वन डेस मिथाइल इथाइल, ये भी वन डेस मिथाइल इथाइल, तो मैं एक ही बार लिखूंगा, 20 लिख दिया ना, एक बार लिखूंगा, वन डेस मिथाइल इथाइल, वन डेस मिथाइल इथाइल, वन डेस मिथाइल इथाइल, कितनी बार लिख दिया मैंने, 2 बार, क्यों लिखा है, 20 लिखा है ना आगे, 20 मतलब मैंने कितनी बार लिख दिया, 2 बार, ठीक है। और मेन चेन का नाम लिखना है, कितने कार्बन है, 7, क्या लिखूंगा, हेप, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, क्या है भैया जी, सिंगल बॉन्ड, तो नाम के पीछे क्या लिखूंगा, एन, ये हो गया इसका क्या, IUPAC नेम, इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, जब एक जैसे दो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तब
डाइट्राइड टेट्रा ना लगाकर अगर दो हो तो 20 लगाएंगे, तीन हो तो 30 लगाएंगे, चार हो तो टेट्राकाइस लगाएंगे, पेंटाकाइस, हेक्साकाइस वगैरह वगैरह, ठीक है। नामेनक्लेचर कहता है, मैं नहीं कहता हूं, ये सब कौन बता रहा है, IUPAC नामेनक्लेचर, नोट कीजिए जल्दी से, इंपोर्टेंट। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। बहुत सुंदर सा एग्जांपल है आपके पास फिर से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, मेन चेन आपके लिए ये रही, देख ही रहिए हमें, ये हमारे लिए क्या है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ये हो गई मेन चेन, ऊपर भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच के अंदर क्या आ गई ब्रांच, यहां पर भी ब्रांच के अंदर क्या आ गई है ब्रांच, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इधर से नंबरिंग करें कि उधर से, 1 2 3 4 5, फाइव कार्बन पे आपको क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, इधर फाइव पे क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, किधर से करें, दोनों एक जैसे तो है नहीं, क्यों नहीं है सर, अगर मेन चेन से जुड़े कार्बन को हम क्या देते हैं नंबरिंग, इसको क्या दे दें वन डेस, अब लॉन्गेस्ट चेन इधर चलूंगा तो 2 days हो जाएगा, नहीं नहीं इधर जाओ 2 days 3 days, लंबी चेन मिली क्या, यस सर, इधर आओ, इधर से नंबरिंग करते हैं, तब भी मेन चेन से जुड़े पहले कार्बन को क्या देंगे 1 days, आप 1 days 2 days 3 days की जगह 1 2 3 भी लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है, 1 days फिर 2 days, मैं इसको भी 3 days दे सकता हूं, इसको भी 3 days दे सकता हूं, क्लियर है, ऊपर भी मेन चेन 3 कार्बन की, नीचे भी, पर जरा देखिए इस मेन चेन से जुड़े कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में 1 days से ही एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, कौन मिथाइल, कौन जुड़ा है कौन से पे 1 days पर, और यहां पर सेकेंड कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट, अब बताओ नंबरिंग किधर से करें, इधर से ही करेंगे क्योंकि इसके पहले कार्बन से ही एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ब्रांच के अंदर ब्रांच है पहले कार्बन पर, यहां ब्रांच के अंदर जो ब्रांच है वो सेकेंड कार्बन पर है, इसलिए हम नंबरिंग किधर से करेंगे इस तरह से, समझ में आई क्या बात, करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, क्या दोनों सेम है, नहीं है, ये 1 days मिथाइल प्रोपाइल है और ये 2 days मिथाइल प्रोपाइल है, ये 1 days मिथाइल प्रोपाइल है और ये 2 days मिथाइल प्रोपाइल है, तो ना समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है ना, दोनों डिफरेंट, अगर दोनों सेम होते तो मैं क्या लिखता 5 6 20, पर दोनों डिफरेंट है तो अलग अलग लिखेंगे, पहले कौन सा लिखें भैया, पांचवें कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट, फिफ्थ, पांचवें कार्बन मेन चेन की पांचवें कार्बन पर कहानी है क्या है कि 1 days पे कौन है मिथाइल, 1 days मिथाइल, फिर 1 days मिथाइल, फिर कितने कार्बन है 3, क्या लिखूंगा प्रोपाइल, 1 days मिथाइल प्रोपाइल, फिर 6 कार्बन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, 6 कार्बन पे क्या है 2 days मिथाइल, और फिर 3 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन भी इस मेन चेन के लिए क्या है सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल, और फिर मेन चेन कितने कार्बन है 10, 10 कार्बन के लिए सफिस किया डेक, और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या डेकेन, नोट कीजिए इंपोर्टेंट, समझ में आया, बड़े आगे, कॉपी और पेन तैयार रखिए नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या होता है सर बॉन्ड लाइन नोटेशन, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें कार्बन भी दिख रहे थे बॉन्ड भी दिख रहे थे और हाइड्रोजन भी दिख रहे थे, नॉर्मल स्ट्रक्चर, पार्शियल कंडेंस्ड फार्मूला बोलते हैं इसको, फिर इसी फार्मूले को क्या हम ऐसा लिख सकते थे CCC 3 कार्बन, यस सर, ये कैसा स्ट्रक्चर था नॉर्मल, कैसा स्ट्रक्चर था
नॉर्मल स्ट्रक्चर था, और ये स्केलेटल कैसा स्ट्रक्चर था, स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब हम कौन सा स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों दिख रहे थे, इसमें केवल कार्बन दिख रहा है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में केवल बॉन्ड दिखाई देंगे, ना कार्बन दिखाई देगा ना हाइड्रोजन, मतलब एंडिंग में कार्बन होगा, ज्वाइंट पर कॉर्नर पर कार्बन होगा, एंडिंग में कार्बन होगा। ये मैंने जो डॉट बनाए ये आपके कार्बन हो गए, दिख रहे होंगे आपको, है ना। अब यह कार्बन है तो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, एक, तो इससे तीन क्या जुड़े होंगे, हाइड्रोजन। इमेजिन करना है ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, दो, तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, दो, जैसे CH2। ये कितना बॉन्ड बना रहा है, एक, तो इसके कितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, 3। क्लियर है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या, बॉन्ड लाइन नोटेशन। करें स्टार्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन को। ये रहा आपके लिए एक एग्जांपल, ठीक, जिसमें कार्बन भी दिख रहे हैं हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं। नंबरिंग करें, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करें आप सभी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी करें, कितने कार्बन आएंगे, 5, 1 2 3 4 5। हर ज्वाइंट पे क्या है, कार्बन, यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ यहाँ एंड में ज्वाइंट पर सब दूर क्या दिखाई देंगे, ये कार्बन है। और कार्बन अगर बॉन्ड एक बना रहा है तो उससे कितना हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, 3, क्योंकि कार्बन की हमेशा वैलेंसी कितनी होती है, 4। क्लियर। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लिया है, 1 2 3 4 5। अब लॉन्गेस्ट चेन में जो इंक्लूड नहीं होता उसे आप क्या कहते हो, सब्स्टिट्यूट। कौन इंक्लूड नहीं हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हो, इथाइल C2H5, क्या कहते हो इसे, इथाइल। तो ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल। थर्ड कार्बन पे भी ये तो छूट गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी क्या है, इथाइल। कौन से कार्बन पर, थर्ड पर, तो क्या नाम लिखेंगे, 3 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट, 2 3 3, कितने, एक जैसे 2, एक जैसे 2 हो तो क्या लिखेंगे, डाई, क्या है, इथाइल। कितने कार्बन की मेन चेन है, प्रीफिक्स लिख दिया, क्या लिखेंगे, रूट वर्ड। कितने कार्बन है, 5, क्या लिखेंगे, पेंट। और कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। क्लियर, स्वस्तिक, स्वस्तिक का नाम इंटलेसर क्या हो गया, 3 3 डाइथाइल पेंटेन, नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। आप ये वाली चेन भी 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। आप या तो ये वाली चेन ले सकते हो या फिर आप ये वाली चेन ले सकते हो, कोई सी भी ले सकते हो, है ना, दोनों ही लॉन्गेस्ट चेन रहेगी। इधर से नंबरिंग करें, इधर से, अच्छा इधर से करते हैं, तो 1 2 3 3 पे क्या मिलने वाला है आपको, सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 इधर भी क्या मिलने वाला, सब्स्टिट्यूएंट। जब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट मिले सेम कार्बन पोजीशन पर, तो हम क्या लगाते हैं, मिनिमम सम रूल, या फिर क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, है ना। चलो देखते हैं, इधर से नंबरिंग करें क्या, इधर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बताओ इधर से नंबरिंग करने पर कहां कहां सब्स्टिट्यूएंट मिले आपको, 3 पे मिले, कितने मिले, 2 3 3 3 3, 2 मिले ना। और 5 पे कितना मिला, 1
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, कौन से कार्बन पे मिला? 5, 3 प्लस 3 प्लस 5 तीन, तीन छः, छः और पाँच 11। अच्छा इधर से नंबरिंग करोगे तो इधर से कर दे नंबरिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इधर से देखो कहाँ कहाँ पे मिला सब्स्टिट्यूएंट, 3 पे मिला क्या, प्लस फिर कहाँ मिला 5 पर, कितने मिले 2, तो 5 प्लस 5, 5 5 10 3 13, किसका आया मिनिमम सम डिफरेंस, यही आया ना मिनिमम सम, किसका आया इस तरफ से गए तब आया, तो ये नंबरिंग हमारी सही हो गई और ये इधर से जाने वाली नंबरिंग क्या हो गई गलत। ठीक है, यूं भी देख सकते हो आप, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में बार बार आपसे चर्चा कर रहा हूं कि मिनिमम सम रूल फेल हो जाएगा तब कौन काम करेगा, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। आगे चल के मैं बताऊंगा आपको ये कैंसिल, ये रूल आपका काम नहीं करेगा मिनिमम सम रूल। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या है देख लीजिए, ये 3 पर उधर से आया तो 3 पर सब्स्टिट्यूएंट मिला, इधर से गए तो किस में मिला 3 पर, उधर से आया तो 5 पर, बताओ वैल्यू कम किस में, ऊपर है, पहली बारी वैल्यू कम आ गई, बस ये सही है अपने के लिए, ये क्या हो गई गलत। हम इधर की नंबरिंग को सही मानेंगे और उधर से जो नंबरिंग करी उसको गलत, तो हम जो येलो कलर से नंबरिंग करिए इसको सही मानते हुए नाम लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, 3 पर कौन छूट गए, 2 सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है CH3, ये भी क्या है CH3, तो 3, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है और डिफरेंट है ना, ये कौन है इथाइल, ये कौन है मिथाइल, इथाइल में अल्फाबेटिकल क्या देखेंगे ई, मिथाइल में एम, तो अल्फाबेटिकल ई पहले आता है, हम क्या लिखेंगे 5 इथाइल, फिर लिखेंगे 3 3 डाई, एक जैसे दो हो तो डाई मिथाइल, और कितने कार्बन की मेन चेन है 7, तो हम लिखेंगे हेप, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे हेप्टेन। क्लियर, समझ में आई, देख लीजिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखें नेक्स्ट एग्जांपल, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की मिल गई भैया, ये सिलेक्ट करते हैं, नंबरिंग किधर से करें, इधर से के इधर से 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3, 3 पे क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, किधर से कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7, बताओ 3 पे क्या छूट गया, ये कार्बन क्या है ये कार्बन मिथाइल, यहाँ पे भी 5 पे क्या छूट गया कार्बन, ये भी क्या है मिथाइल, दोनों सेम है 3 पर 4 पर दोनों एक जैसे, क्या लिखे हैं डाई मिथाइल, प्रीफिक्स लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया रूट वर्ड, कितने कार्बन की चेन 7, क्या लिखे हैप, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, क्या लिखेंगे हेप्टेन। नोट कीजिए, कॉपी और पेन तो साथ में होना ही चाहिए, जो लिख रहे हैं लिख ले, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5, 1 2 3 4, 5 6 7, यही लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से देखें तो 1 2 3 4 5, इधर से ही फिफ्थ कार्बन पे, उधर से कहीं से भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन मिली, अब ब्रांच के अंदर क्या आ गई, ब्रांच कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो मेन चेन से जुड़े कार्बन को क्या तुम्हें ये कार्बन दिखाई दे रहा है,
दिख रहा है ना, मेन चेन से जुड़े कार्बन को आप क्या दोगे, वन डेस नंबरिंग करोगे। फिर लॉन्गेस्ट चेन देखोगे, वन डेस टू डेस थ्री डेस, इधर आओगे तो वन डेस टू डेस थ्री डेस, नीचे आओगे तो वन डेस टू डेस, तो तीन कार्बन की है, वन डेस टू डेस थ्री डेस। क्लियर? अच्छा, मेन चेन हो गई कितने कार्बन की, नाइन कार्बन की। करें स्टार्ट, नाइन कार्बन की मेन चेन के पांचवें कार्बन पर कहानी है, फिफ्थ कार्बन पर। फिफ्थ कार्बन पर वन डेस पर, वन डेस पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सिंगल बॉन्ड CH3 है मिथाइल, और एक क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइल। ये क्या है मिथाइल, और ये क्या है इथाइल, है ना। अब M पहले आता है क्या, E पहले आता है, तो वन डेस क्या लिखूंगा, इथाइल, वन डेस इथाइल, फिर वन डेस मिथाइल। क्या इस तीन कार्बन की चेन के लिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए पहले, अब मेन चेन इसके लिए नाम लिखेंगे, तीन कार्बन की चेन है तो क्या लिखूंगा, प्रोपाइल। अरे है तो इस मेन चेन के लिए तीन कार्बन की चेन सब्स्टिट्यूएंट, तो प्रोपाइल YL लगाऊंगा, तो पांचवें कार्बन के वन डेस पर मिथाइल, वन डेस पर इथाइल, तो वन डेस इथाइल, वन डेस मिथाइल, प्रोपाइल। और मेन चेन कितने कार्बन की, नाइन, नाइन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, नॉन, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, एन, नोन एन, नोट डाउन। क्लियर, समझ में आ रही है, वेरी गुड, लिखते चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर सुंदर सा एग्जाम्पल है, लॉन्गेस्ट चेन यही दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 1 2 3 4 5 6, इधर से जाते हैं तो फिफ्थ पे ब्रांच मिलती है, इधर से आते हैं तो सिक्स पर, इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेन चेन से जुड़े कार्बन को नंबरिंग दो। ये कौन सा कार्बन हो गया, वन डेस, इधर जाओगे टू डेस, इधर आओगे तो टू डेस थ्री डेस, या टू डेस से थ्री डेस, इधर आ जाओ या इधर चले जाओ, वन डेस टू डेस थ्री डेस। अब बताओ इस मेन चेन के लिए तीन कार्बन की ब्रांच है, और इस तीन कार्बन की ब्रांच के लिए ये दो क्या है सब्स्टिट्यूएंट, CH3 वन डेस पर, और ये CH3 मिथाइल किस पे, टू डेस पर। कौन से कार्बन से कहानी स्टार्ट हो रही है, फिफ्थ, मेन चेन के फिफ्थ कार्बन पर क्या है, वन डेस पे भी मिथाइल कामा टू डेस पे भी मिथाइल, दोनों एक जैसे हैं तो कितने हैं, दो एक जैसे, कितने एक जैसे, दो, तो क्या लिखूंगा, डाई, क्या लिखूंगा, मिथाइल, और तीन कार्बन है तो क्या लिखूंगा, प्रोपाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, टेन, टेन कार्बन के लिए रूट वर्ड है डेक, सिंगल बॉन्ड है तो एन। ये हो गया इसका क्या करेक्ट IUPAC नेम, नोट कीजिए। क्लियर, एल्केन समझ में आ रहा है, आज एल्केन पूरा खत्म कर दिया है हमने, कल हम एल्किन और एल्काइन पर डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल हो रहे हैं, जरा कर लीजिए सिंपल सिंपल से। लॉन्गेस्ट चेन देखिए, यहां से नंबरिंग करें क्या, 1 2 3 4 5, 5 पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट, किधर से भी कर दिए नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 10। 5 कार्बन पे क्या छूट गया, CH3, यहाँ 6 कार्बन पे क्या छूट गया, CH3 मिथाइल, मिथाइल 5 पे भी मिथाइल, 6 पे भी मिथाइल, 5 6 डाई मिथाइल, प्रीफिक्स लिख दिया, रूट वर्ड कितने कार्बन, 10, मेन चेन में 10 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, डेक, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, एन। ये हो गया इसका IUPAC नेम, नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की मिल रही है, 6 कार्बन की, इधर से नंबरिंग करें, यहां से करें कि यहां से करें, वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, 1 2 3 पे मिल जाएगा,
इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 फोर पे मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 थ्री पे क्या छूट गया सब्स्टिट्यूएंट कौन है भैया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 इथाइल तो लिखेंगे नाम क्या 3-ethyl मेन चेन में कितने कार्बन 6 हेड्स कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लिखेंगे N नोट कीजिए क्लियर करते रहिए नेक्स्ट सिंपल लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 कौन सी भी ले लो 1 2 3 4 टू पे छूट गया ये कार्बन क्या है CH3 ये छूट गया ये भी क्या है CH3 ये भी क्या है CH3 ये भी क्या है CH3 मिथाइल ग्रुप कितने हैं 4 एक जैसे 2 टू पे है और 2 किस पे 3 पे तो मैं 2 2 3 3 एक जैसे 4 है तो क्या लिखेंगे टेट्रा क्या मिथाइल टेट्रा मिथाइल और मेन चेन में कितने कार्बन है 4 तो क्या लिखेंगे रूट वर्ड ब्यूट कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है N 2 2 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन नोट कीजिए नेक्स्ट एग्जांपल सुंदर सा इसे 1 नंबर दूंगी इसे दे चलो एक काम करते हैं पहले इसको 1 नंबर देते हैं फिर इसको 2 नंबर देते हैं ठीक 1 पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है 2 1, 1 और किस पे है सब्स्टिट्यूएंट 2 पर तो 1 1 2 है ना अब मैं नंबरिंग इसी को मैं एक बार और लिख देता हूं इसी को एक बार और लिख रहा हूं Br सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 यहां क्या है Cl यहां क्या है I अब नंबरिंग किधर से कर दें इधर से ये 1 और ये 2 अब बताओ भैया एक सब्स्टिट्यूएंट कहां पे मिल रहा है 1 पे बाकी 2 कहां पर मिल रहा है 2 पर तो 2 कितनी बार लिख दो 2 बार लिख दिया क्या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देख लो या मिनिमम सम रूल देखो 1 1 2 2 और 2 4 है ना 1 2 2 2 2 4 4 और 1 5 किसके लिए मिनिमम सम रूल आ रहा है इसके लिए मतलब नंबरिंग सही है या फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस देख लो 1 से 1 कैंसिल यहां 1 है और यहां 2 है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में ये जीत गया इसका लोवेस्ट लोकेंट पहले आया ठीक है फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस से भी और मिनिमम सम रूल से भी हम इस नंबरिंग को सही मानेंगे और इस नंबरिंग को गलत कर देंगे करें फिर अब सब्स्टिट्यूएंट 1 से ज्यादा है ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है क्लोरो सी से आइडो आई से तो पहले क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो फिर क्या लिखेंगे 2 क्लोरो फिर क्या लिखेंगे 1 आयोडो और फिर 2 कार्बन है क्या लिखेंगे 8 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे N ये हो गया इसका क्या नोमेनक्लेचर नोट कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी को जो भी मैं पढ़ाता हूं डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ बोर्ड की जो मैंने आपको पढ़ाया इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ठीक है नेक्स्ट देखिए भैया कितने कार्बन की चेन 1 2 3 4 गलत अरे भैया ईटी लिखा है ईटी मतलब इथाइल क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ईटी का मतलब क्या CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 चार कार्बन की चेन मत समझ बैठना कितने कार्बन की हो गई मेन चेन 1 2 3 4 5 6 तो नंबरिंग कर देते हैं 6 कितने कार्बन की मिल गई 1 2 3 4 5 6 3 पे कौन छूट गया मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट 4 पे कौन छूटा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों एक जैसे हैं तो 3 4 डाई मिथाइल 6 कार्बन के चेन है हेड्स कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है एन क्लियर नॉट पढ़ते रहिए लिखते रहिए पढ़े
नेक्स्ट, फिर से भाई एक सुंदर सा एग्जांपल है, जल्दी देखें। वन लॉन्गेस्ट चेन देख रही है सभी को, क्या होगी? वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, इधर से भी फाइव पे मिल रहा है, इधर से भी फाइव पे, और दोनों सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स एक जैसे हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन, कितने कार्बन है इस चेन में? टेन कार्बन है। फाइव पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिक्स पे भी है। अच्छा, मेन चेन से जुड़े कार्बन को आप क्या करते हो? नंबरिंग करते हो। तो पांचवे कार्बन से जुड़ा ये वाला कार्बन आपका क्या हो गया? वन डेस, और ये टू डेस, और ये थ्री डेस। वन डेस टू डेस थ्री डेस, तीन कार्बन मिल रहे हैं। इधर जाता तो केवल दो ही होते, इधर गए तो कितने हो गए? तीन। ठीक है, तो वन डेस पे जो छूट गया ये कौन है? सी एस थ्री। तो ये वन डेस मिथाइल प्रोपाइल, तीन कार्बन है, वन डेस मिथाइल प्रोपाइल। इधर आओ, छठे कार्बन से जुड़े इस कार्बन को क्या दूंगा? वन डेस, फिर ये टू डेस, और ये थ्री डेस। वन डेस पे क्या है? मिथाइल। वन डेस मिथाइल प्रोपाइल, क्या दोनों सेम है? वन डेस मिथाइल प्रोपाइल, वन डेस मिथाइल प्रोपाइल, पर एक फाइव पे और एक सिक्स पे, पर क्या दोनों एक जैसे हैं? एक जैसे दो हो तो डाई, नहीं 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 नहीं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में डाई नहीं, बिस। क्या लगाएंगे? बिस। तो क्या लिखूंगा? फाइव पर भी है, सिक्स पर भी है, फाइव सिक्स, क्या लिखूंगा? बिस। और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? वन डेस मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल। वन डेस मिथाइल, तीन कार्बन है तो प्रोपाइल, और मेन चेन में कितने कार्बन है? टेन। तो क्या लिखेंगे? डेकेन, नोट डाउन। क्लियर, समझ में आ रही है सभी को? अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट कीजिए भैया, नामेनक्लेचर, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट चेन देखिए कितने कार्बन की आप लोगों को मिलती है, ढूंढिए। मिली कितने कार्बन की मिली? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट कार्बन की मिल रही है। कितने कार्बन की मिल रही है? एट। ले लें यही चेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये हो गया एट। और सब्स्टिट्यूएंट पे चल लो, थर्ड कार्बन पे कौन छूट गया? सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच टू, कौन है भैया ये? इथाइल। क्या है ये? इथाइल। किससे स्टेट स्टार्ट होता है? ई से, और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है। अच्छा, फोर्थ कार्बन पे कौन? ब्रांच के अंदर ब्रांच है, कॉम्प्लेक्स है, तो मेन चेन से जुड़े कार्बन को क्या दूंगा? वन डेस, और ये टू डेस। वन डेस से क्या जुड़ा है? सी एच थ्री, तो वन डेस मिथाइल इथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। फिफ्थ कार्बन पे भी कॉम्प्लेक्स है, फिफ्थ कार्बन से जुड़ा इस कार्बन को दो वन डेस, और इसे दो टू डेस। अब वन डेस पे कौन छूट गया? एक कार्बन वाला ये मिथाइल, और ये भी एक कार्बन वाला क्या है? मिथाइल। तो वन डेस डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, अब क्या लिखें? कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखें? मैं लिख देता हूं यहां पे सभी सब्स्टिट्यूएंट एक एक करके, फिर डिसाइड करते हैं। ये फिफ्थ कार्बन पे कौन है? वन डेस डाई मिथाइल इथाइल। क्या है? वन डेस कामा वन डेस, दोनों एक जैसे हैं, डाई क्या है? मिथाइल, दो कार्बन इथाइल। ये हो गया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओवर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? वन डेस मिथाइल, और दो कार्बन है तो इथाइल। वन डेस मिथाइल इथाइल, और यहां वन वन
डाइमिथाइल इथाइल और यहां पे क्या है इथाइल। अब जरा ध्यान से सुनना, जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं है ना, तब मिथाइल इथाइल के आगे अगर डाई ट्राई टेट्रा लिखा जाता है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में डाई ट्राई टेट्रा के अल्फाबेट भी यूज किए जाते हैं। तो यहां पर हम मिथाइल का एम ना देखते हुए हम क्या देखेंगे डी है ना, और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा के फर्स्ट अल्फाबेट यूज नहीं किए जाते हैं। क्या यूज किया जाते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट का फर्स्ट अल्फाबेट है क्या है इसका ई, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इसका फर्स्ट अल्फाबेट एम। बताइए पहले किसका लिखूं, ये लिखूंगा क्योंकि डी पहले आएगा, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा एम। लिख देते हैं क्या लिखेंगे, फिफ्थ कार्बन पर, मेन चेन के फिफ्थ कार्बन पर क्या है, वन डेस कॉमा वन डेस डाई मिथाइल इथाइल है ना। फिर क्या लिखूंगा, थर्ड कार्बन पे क्या है, इथाइल थ्री इथाइल। फिर क्या लिखूंगा, फोर्थ कार्बन पे क्या है, फोर्थ कार्बन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखूंगा, वन डेस मिथाइल इथाइल। और फिर मेन चेन का नाम, कितने कार्बन की मेन चेन है, एट, तो क्या लिखेंगे, ऑक्ट, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड एन। यह हो गया इसका क्या, IUPAC नॉमेनक्लेचर। क्लियर, नोट कीजिए, फिर सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो तो उनके डाई ट्राई टेट्रा का फर्स्ट अल्फाबेट यूज किया जाता है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में डाई ट्राई टेट्रा के फर्स्ट अल्फाबेट यूज नहीं होते हैं। यहाँ ई है, फिर क्या आ रहा है एम, ए बी सी डी अल्फाबेट में पहले डी फिर ई फिर एम फिर मेन चेन का नेम। क्लियर, लिखिए। नेक्स्ट, ये आपके लिए है, आप घर पे कीजिएगा, पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते जाइए। अगर आप नोट्स बनाएंगे सिस्टमेटिक लिखेंगे जो मैंने लिखा है उनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आपके नॉमेनक्लेचर सबसे अच्छे होंगे। ठीक है, आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं मैं, धन्यवाद जो आपने इतनी देर तक मुझे सुना और समझा। मिलते हैं कल, थैंक यू, धन्यवाद।